humor रही होगी उन्नीस साल, तो मैं लियो क्लब का प्रेसिडेंट बन गया। तो ये हुआ कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए, आशीर्वाद से उससे गलत भी लगा नहीं, तो हमें समझ थी नहीं। और उन दिनों में कुछ इतना सरल वातावरण था, जैसे उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री से मिलना जितना आसान अब है, उतना ही आसान तो अब कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार से मिलना अटल बिहारी वाजपेयी से था। तो हम लोग चले गए, तो हमें समझ ही नहीं थी कि इतने बड़े मिनिस्टर से हमें ये नहीं कहना चाहिए कि साहब उद्घाटन ब्लड डोनेशन कैंप का कर देंगे। तो शिव कुमार जी ने मुझे बहुत डांटा, अटल जी के सामने तो मुझे उठा के लेके इतना इधर पाना जितना अटल जी के, अब अटल जी ब्लड देंगे ठीक है। तो फिर विजय कुमार मल्होत्रा गाजियाबाद में आए और पहली बार गाजियाबाद के अंदर कैंप लगा और 80 लोगों ने पहली बार गाजियाबाद के अंदर मुझे पता नहीं था जीवन में एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो ब्लड बैंक के लिए किसी न किसी दिन हमारी व्यवस्था को ठीक करने के लिए जिम्मेदारी भी हमारे को मिलेगी। और मुझे बड़ी खुशी है इस सरकार के अंदर, जब हम आए थे तो इस सरकार आई थी तो बहुत दिक्कतें थी, हर बात में झंझट था, लेकिन अब हम जो रिपोर्ट लेते हैं 15 दिन से ज़्यादा शायद ही कोई केस ऐसा हो कि जिसमें लाइसेंस के रिन्यूअल के अंदर दिक्कत हो या लाइसेंस ना मिला हो, सारी की सारी व्यवस्था हमने ऑनलाइन की है। और मेरे पे तो 22 करोड़ के उत्तर प्रदेश में एक भी शिकायत मेरे पास तो है नहीं, लोग शिकायत ना करते हो तो मुझे पता नहीं। आप लोग आए थे तो हमने कोशिश करके, तो झंझट था तो उसे बंद करने के चक्कर में भी थे लोग, तो उसे ऐसा कौन हुआ। तो आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ब्लड के लिए, और आप बता रहे हैं कि बहुत लोगों को फ्री देते हैं। और तो इसके अंदर जो MLAs हैं RMPs हैं उसके लिए भी फ्री कर सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आपको कभी ज़रूरत ना पड़े। मैं 15-20 का है मैं भी दे चुका हूँ, लेकिन जब ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई तो उन्होंने मना करना शुरू कर दिया, तो लेकिन फिर मैंने ज़्यादा जाना शुरू कर दिया, मैं बताता हूँ लेंगे तो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डॉक्टर साहब हमारे आदर्श हैं, बहन जी हमारे आदर्श हैं, आप दोनों ऐसे आपसे जनप्रतिनिधि मिले हैं कि दोनों में सॉफ्ट कौन ज़्यादा है, नम्रता किस में ज़्यादा है, इसको जांचना बड़ा मुश्किल है। और मैं तो जब भी मेरे को झुंझलाहट या गुस्सा आता है तो मैं डॉक्टर साहब की याद कर लेता हूँ। ये मेरे ख्याल से एक तो खाने ही बहुत कम खाते हैं तभी उनका शरीर इतना ठीक ठाक फिट है, और एक पीछे कारण ये मेरे को एक समझ में आया, मैं कई बार मिलने गया तो डॉक्टर साहब सबको बाहर से छोड़ने जाते हैं, तो मैंने कहा अच्छा योगा ये एक्सरसाइज करने का एक अच्छा तरीका निकाला। तो डॉक्टर साहब की नम्रता, हमारी बहन जी की नम्रता जो है वो दोनों बहुत आदर्श या अनुकरणीय है, और हम आप दोनों को फॉलो करने का प्रयास करेंगे, ये मैं अपना मेरे मन में धारणा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण मंदिर